जो बात इंदिरा जी नहीं कर सकी, जो बात राजीव जी नहीं कर सके, जो बात सोनिया जी नहीं कर सकी, तो राहुल गांधी पर विश्वास कैसे रखें। और इसलिए कांग्रेस के साथ विश्वसनीयता जुड़ी नहीं है। बहनों और भाइयों, हम धनवान देश के गरीब नागरिक हैं और इस 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमने देश के तस्वीर को बदल दिया। आप देख रहे कि हर क्षेत्र में हम कितने आगे जा रहे हैं। मैं जब मंत्री बना तो मेरे विभाग में 403 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट बंद पड़े थे, बैंकों में डिफॉल्ट हुआ था। बहनों और भाइयों, केवल मेरे विभाग ने 3,00,000 करोड़ के एनपीए से हिंदुस्तान के बैंकों को बचाया और फिर से वो प्रोजेक्ट शुरू किया। या आपका जीटी रोड का प्रोजेक्ट उसी लफड़े में अटका था, अनेक प्रोजेक्ट ऐसे थे। बहनों और भाइयों, पहले 2 किलोमीटर रोड बनते थे, आज हम 32 किलोमीटर पर डे रोड बना रहे हैं। एक्सप्रेस हाईवे बना रहे, दिल्ली से कटरा नया एक्सप्रेस हाईवे का भी हम काम शुरू करने वाले चुनाव के बाद, तो आपके जीटी रोड के बहुत 50% ट्रैफिक कम हो जाएगा। उधर से हम लोग दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बना रहे, आपको आश्चर्य होगा कि दिल्ली अहमदाबाद सूरत मुंबई जो रूट था उसके बजाय गुड़गांव से निकलेंगे, सवाई माधोपुर अलवर होकर रतलाम झाबुआ से होकर वडोदरा से होकर मुंबई जाएंगे। हमने नई अलाइनमेंट तैयार की, 12 लेन एक्सिस कंट्रोल सीमेंट कंक्रीट का एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। और इसकी विशेषता यह है कि बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरिया हरियाणा का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, गुजरात का और महाराष्ट्र का, तो जो लैंड एक्विजिशन हमको 7 करोड़ रुपए हेक्टेयर पड़ती थी, वो केवल अब 80 लाख रुपए हेक्टेयर पड़ेगी। एक ही प्रोजेक्ट में हमने 16,000 करोड़ रुपए लैंड एक्विजिशन पर बचाए। और आपको आश्चर्य होगा कि लैंड एक्विजिशन लगभग पूरा हो गया है। यहां से 3 घंटे में आप दिल्ली का रिंग रोड हमने बनाया, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, यहां के लोगों को अगर मुंबई जाना है, गुजरात जाना है, राजस्थान जाना है, उत्तर प्रदेश जाना है, तो दिल्ली के बीच में से जाना पड़ता। दिल्ली में 50,000 करोड़ के हम रोड बना रहे। एक बार तो मनोहर लाल जी ने मुझे ऐसी गोली खिला दी कि मैं एक कार्यक्रम में बैठा था गुड़गांव में, उनके खास बोले, नितिन जी एक छोटा सा काम है, जरा आप मदद कर दो। तो मैं बड़ा पॉजिटिव, मैंने बोला हाँ मैं कर दूंगा, बोलो क्या है। वो बोले छोटा सा रोड बनाना है, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे थोड़ा अटका हुआ है। मैंने कहा ठीक है मैं बना देता हूँ। बोले आप घोषणा कर दो। मैंने घोषणा कर दी और आने के बाद डिपार्टमेंट में पूछा तो बोले उसकी कीमत 10,000 करोड़ है। पर बहनों और भाइयों, मैंने जो कहा वो मैंने किया, जो किया वही मैंने कहा, और ये मैं डंके की चोट कर कह सकता हूं कि मैं जो बोलूंगा वो 100% काम करके आपको दिखाऊंगा। और मैंने 10,000 करोड़ के रोड का काम शुरू कर दिया, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे। दिल्ली में ही 50,000 करोड़ के रोड बना रहे हम लोग, और हरियाणा को तो दिल्ली में रोज जाना पड़ता है। अब दिल्ली का ट्रैफिक जाम भी समाप्त होगा। और मैंने कहा है कि दिल्ली को 3 साल के अंदर हम जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण से मुक्ति दिलाएंगे, ये वचन मैं देता हूं। बहनों और भाइयों, हमने मेरठ एक्सप्रेस हाईवे बनाया, 14 लेन का रोड बना हुआ है, और अब मेरठ का रोड भी पूरा बन रहा है। 4.5 घंटे लगते थे दिल्ली से, मेरठ से दिल्ली आने के लिए, मैंने आश्वासन किया कि 2 महीने के अंदर केवल 45 मिनट में आप दिल्ली से मेरठ जा सकोगे। 45 मिनट लोग विश्वास नहीं रखते। मैं बहुत पहले जब 2000 में महाराष्ट्र में मंत्री था तो मुंबई और पुणे के बीच में 9 घंटे जाने के लिए समय लगता था। और मुंबई से पुणे केवल 2 घंटे में होगा तो मीडिया के लोग मुझे हंसते थे, कुछ भी बोलते हैं। और आज मैं आपको तो मैं
ने मुंबई और पुणे के बीच में जो एक्सप्रेस हाईवे बनाया वो 8 घंटे नहीं 2.25 घंटे में मुंबई से पुणे जाना होता है। ये देश बदल रहा है, केवल रोड नहीं बन रहे, हमने गंगा का जलमार्ग भी चालू कर दिया। मैं गंगा का भी मंत्री हूं, इस बार कुंभ में 20 करोड़ लोग आए थे, बहुत खुश हुए, जबकि हमने गंगा पे और गंगा की 40 उपनदियों पर 30% ही काम पूरा किया है। ये यमुना में सोनीपत पानीपत में हमने प्रोजेक्ट पूरा किया है, शुद्ध पानी किया वहां का यमुना का। दिल्ली में 13 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोंडा साहब में हमने प्रोजेक्ट पूरा किया है, मथुरा में प्रोजेक्ट का काम शुरू है और हमने गंदे पानी को अच्छा करके 20 करोड़ रुपए में इंडियन ऑयल को बेच दिया। हम आगरा में काम कर रहे हैं, इटावा में काम कर रहे हैं और इतना ही नहीं तो कानपुर इलाहाबाद वाराणसी सब जगह काम शुरू है। और मैं आपको तो इस बार पहली बार जो जो लोग कुंभ में गए थे, मैं भी गया था, मैंने भी स्नान किया, इलाहाबाद में 4 रिवर पोर्ट हमने बना उसका उद्घाटन किया, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी मेरे साथ में थे, साधु संतों ने हमें आशीर्वाद दिया। ये देश के इतिहास में पहली बार गंगा अविरल भी थी और निर्मल भी थी। और इसीलिए प्रियंका गांधी कोई 3-3 बार पानी पी रही थी। मैं याद कर रहा था कि पिछले कुंभ में मॉरीशस के प्रधानमंत्री आए थे और गंदा पानी देखकर स्नान किए बिना चले गए थे, और इस बार प्रियंका गांधी 3-3 बार पानी पीती थी। फिर वहां से इलाहाबाद से वाराणसी तक गई, मैंने सवाल पूछा कि प्रियंका जी, मैं अगर इलाहाबाद और वाराणसी के बीच में जलमार्ग नहीं बनाता तो आपकी नाव कैसे चलती है? और अगर हम इसको गंगा को शुद्ध नहीं करते तो आप पानी कहां से पीती? बहनों और भाइयों, गंगा अविरल और निर्मल बनी हुई है, और अविरल निर्मल गंगा हुई। और आपको मैं वचन देता हूं, अगले आने वाले मार्च समाप्त होने के पहले गंगा 100% अविरल और निर्मल होगी, ये मैं वचन आपको दूंगा। 1984 में राजीव गांधी जी ने गंगा शुद्धिकरण का कार्यक्रम शुरू किया था, कुछ नहीं हुआ। जो हमारे सरकार ने कहा हमने करके दिखा, इतना ही नहीं तो गंगा को हमने जलमार्ग बना दिया। इलाहाबाद से वाराणसी जलमार्ग बन गया, वाराणसी से हल्दिया साहिबगंज गाजीपुर कालूघाट, यहां मल्टी मॉडल हब बना रहे हैं, 1700 करोड़ का ड्रेजिंग किया है। और बहनों और भाइयों, इस साल 80 लाख टन माल की ढुलाई हुई है, 80 लाख टन, और आने वाले 2 साल में 280 लाख टन माल इसकी ढुलाई होने वाली है। और ये केवल हल्दिया तक नहीं है, कलकत्ता तक नहीं है, तो कलकत्ता से निकलकर हम लोग बंगाल के खाड़ी से ब्रह्मपुत्रा का ड्रेजिंग हमने कर दिया, ब्रह्मपुत्रा आगे बराक रिवर है उसका कर दिया। और मुझे सुषमा जी ने कहा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कह रही है कि थोड़ा नितिन जी को रिक्वेस्ट करो कि मुंगली और चितगांव पोर्ट में हमारा ड्रेजिंग करा दो, तो मैंने 250 करोड़ रुपए खर्चा करके बांग्लादेश में जाके भी ड्रेजिंग कर दिया। अब आप इलाहाबाद से गुवाहाटी से आगे म्यांमार तक, चाइना तक, बांग्लादेश तक आपका माल भेज सकते हैं हरियाणा का। अब आगे की बात सुनिए, अब मैं यमुना में दिल्ली से लेकर, दिल्ली से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से इटावा, इटावा से इलाहाबाद तक 12,000 करोड़ का डीपीआर हमने बना लिया है। अब हरियाणा और पंजाब का माल बांग्लादेश में भेजना, उत्तर प्रदेश में भेजना, झारखंड में भेजना, बंगाल में भेजना बहुत आसान हो जाएगा। आपको पता है कि चाइना में 46% माल नदी के पानी के ऊपर से ट्रांसपोर्ट होता है और हिंदुस्तान में 2% होता है। अगर आप रोड से जाएंगे तो 10 रुपए खर्चा आता है, रेलवे से जाते हो तो 6 रुपए खर्चा आता है, और पानी से जाते हो तो 1 रुपए खर्चा आता है। चाइना में लॉजिस्टिक कॉस्ट 18% है, हमारे यूरोपियन देशों में 12% है, और चाइना में 10% है और हमारे देश में 18% है।
और अगर भाड़ा कम हो गया, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, तो हमारी इंडस्ट्री बढ़ेगी, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारा ग्रोथ रेट बढ़ेगा, हमारे युवाओं के हाथों को काम मिलेगा, हमारा देश सुखी समृद्ध संपन्न बनेगा। और इसलिए हमने 20,000 किलोमीटर की रिवर लिंक को जलमार्ग में बनाने के कार्य को शुरू कर दिया है। 10 जलमार्गों का काम शुरू है, गंगा का काम पूरा होते हुए आया है। जैसे एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, वैसे रिवर पोर्ट बन रहा है। 5-स्टार 7-स्टार क्रूज गंगा में चल रहे हैं, और अभी तो मैंने पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज भी हमने लाए हैं, MPBS सी प्लेन। मैंने भी ट्रायल ली, मोदी जी भी उसमें घूमे। हवाई जहाज एयरशिप से उतरता है, पानी पे उतरता है, आपके यहां भी कोई तालाब होगा, उतर जाएगा, एयरपोर्ट की जरूरत नहीं। और बहनों और भाइयों, हमने एक बोट लाई है रशिया से, चुनाव के कारण अभी नहीं, 17 मई के बाद मैं जाने वाला हूं इलाहाबाद से वाराणसी। ये बोट को इंजिन लगाए टोयोटा के लैंड क्रूजर का, जो लैंड क्रूजर गाड़ी है ना SUV, उसका इंजन लगा हुआ है, पंखे हवाई जहाज के, और उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। बहनों और भाइयों, दिल्ली में हवाई जहाज से अगर कोई बाहर से आ जाएगा तो यमुना में आ जाएगा, और कम से कम 1 घंटे के अंदर ताजमहल के पीछे जाकर उतर जाएगा। 15 मिनट में तो सी प्लेन जाएगा, 1-1.5 घंटे में हमारा सी बोट जाएगी, एयर बोट, और वहां जाके ताजमहल देखकर 1 घंटे के बाद फिर वापस 15 मिनट में दिल्ली आएगा, एयरपोर्ट पर चला जाएगा और फॉरेन निकल जाएगा। वो दिन अब दूर नहीं है। मैंने तो मुंबई में ऐसी योजना तैयार की है, आप कभी इटली में वेनिस में गए होंगे आप में से कुछ लोग, वहां पानी में होटल है समुन्द्र के, वैसे मुंबई के सब किनारों से जो नया मुंबई का एयरपोर्ट है वहां तक मैंने जलमार्ग बनाने का मंजूर कर दिया है। और मुंबई में कोई भी बोट में बैठेगा और किसी भी दिशा से 15 मिनट के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच जाएगा, ऐसी योजना हम कर रहे हैं। अब किसी को रोड और रेलवे से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो रतनलाल जी आपको और विज साहब को एक निवेदन करता हूं, अभी मैंने देखा अंबाला को, मेरे डिपार्टमेंट में वेपकॉस करके एक कंपनी है वाटर रिसोर्सेस में, और मैं दावोस गया था और वहां से आते समय ऑस्ट्रिया गया था, वहां डॉफल मेयर करके कंपनी के साथ वेपकॉस का जॉइंट वेंचर हमने साइन किया है। 28 टेक्नोलॉजी हमने लाई है वेपकॉस के पास है, पूरा हिमाचल प्रदेश उस पर भी एग्रीमेंट किया, बहुत शहरों में काम हो रहा है। मैं आपके अंबाले में, मैं आपको अपील करता हूं, आप रतनलाल कटारिया जी को चुन कर दो, मैं हवा में चलने वाली डबल डेकर बस आपके यहां शुरू कर दूंगा, डबल डेकर बस। पत्रकार भाई बोलेंगे यह सपना दिखा रहा, मैं उनको इतना ही बताना चाहता हूं कि मेरे 40 साल के राजनीतिक जीवन में जो बोला मैंने वो हुआ है, कोई पत्रकार मुझे उल्टा सवाल नहीं पूछ सकता, ये मेरी क्रेडिबिलिटी है, आप चिंता मत करिए। आप प्रस्ताव लाइए, मेरा ही डिपार्टमेंट है, और मैं आपको हवा में चलने वाली बस चला दूंगा, ऊपर के ऊपर चलोगे, नीचे है ही नहीं, ना पोल्यूशन होगा, और एयर कंडीशन पॉइंट्स में डबल डेकर बस में घूमोगे ऊपर में आओ। बहनों और भाइयों, ये देश बदल सकता है, देश बदलने के लिए सही नेतृत्व चाहिए, सही सोच चाहिए, और ईमानदारी से काम करने वाली सरकार चाहिए। मेरे डिपार्टमेंट में मैंने 17 लाख करोड़ रुपए का काम किया है, 17 लाख करोड़। पर मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूं कि एक भी कॉन्ट्रैक्टर को उसका ठेका लेने के लिए मेरे ऑफिस में और मेरे घर में आना नहीं पड़ा। 100% करप्शन फ्री, ट्रांसपेरेंट और क्वालिटी का काम हमने देश में किया है। मैं तो ऐसे सीमेंट कॉन्क्रीट के रोड बना रहा हूं कि मैं लोगों को गारंटी देता हूं। कल मैं पंजाब में था, मैंने कहा जितने लोग अभी यहां बैठे जिंदे हैं तब तक, उनके बेटे जिंदे हैं तब तक, और उनके भी बेटे जिंदे तब तक 200 सालों तक इस रोड पर गड्ढे नहीं पड़ेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। बहनों और भाइयों, देश बदल सकता है। अभी आप देखिए, ये पंजाब और हरियाणा में पानी के लिए झगड़ा होता है। मैंने मनोहर लाल जी को और अमरिंदर सिंह जी को दोनों को बुलाकर कहा, झगड़ा क्यों करते हो, कितना पानी चाहिए मैं देता हूं। 1974 से सब प्रोजेक्ट पेंडिंग थे,
ये रेणुका बांध परियोजना, लखवाड़, किशाऊ, ये सब 6 प्रोजेक्ट पड़े थे जो हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के बीच में झगड़े। एक दिन मैंने सभी मुख्यमंत्री को बुलाया, मैंने धमकाया, बोले रूम में बैठ के अभी मार्ग निकालो, फिर तुम्हारा पैसा ही बंद करता हूं सब राज्यों का। और साइन हो गए। अब बहनों और भाइयों, मैं इतना ही, ये 6 तो प्रोजेक्ट हुए साइन। अब हमने पाकिस्तान और भारत में जब बंटवारा हुआ तो 3 नदियां भारत को मिली, 3 पाकिस्तान को मिली। और 1960 में जनरल अयूब खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में एक इंडस सिटी हुई और उसमें लिखा गया है कि हिंदुस्तान बड़ा भाई है, पाकिस्तान छोटा भाई है। दोनों देशों के बीच में भाईचारा, समन्वय, सौहार्द, प्रेम बने, इसलिए भारत अपने 3 नदियों का पूरा पानी पाकिस्तान को देगा और 3 नदियों का पानी भारत को मिलेगा। पर कांग्रेस की सरकार कितनी निकम्मी सरकार थी कि हमारे अधिकार का पानी पाकिस्तान जा रहा था। अभी मैं वाटर रिसोर्सेस का मंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री दोनों को बुलाकर मैंने वो शाहपुर कंडी के लिए करार कर दिया। अब दोनों प्रोजेक्ट नेशनल प्रोजेक्ट करके हम कर रहे हैं। अब ये जो दोनों प्रोजेक्ट से पानी आएगा, ये हरियाणा और पंजाब को मिलेगा, और पानी आपके अधिकार से ज्यादा आपको मिलेगा तो झगड़ा कहां से होगा। हमने निर्णय किया कि अब कैनाल से पानी नहीं जाएगा, पाइपलाइन से जाएगा, और पाइपलाइन से पानी ड्रिप के साथ उसका उपयोग होगा, तो पानी 3 गुना ज्यादा उसका उपयोग होगा और प्रोडक्टिविटी 2.5 गुना बढ़ेगी। बहनों और भाइयों, मैं आपको वचन देता हूं, आप एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को साथ दीजिए, मैं पंजाब और हरियाणा की पानी की समस्या को सुलझाकर दिखाऊंगा, ये वचन मैं आपको देता हूं। और हमने पाकिस्तान को कहा है कि हमारे 3 नदियों का पानी जिस दिन रोक देंगे, उस दिन पानी के लिए चिल्ला चिल्ला कर आप मर जाओगे। आप एक काम करिए, आतंकवादियों का और आतंकवादी संगठनों का समर्थन करना आप बंद करिए। अगर आपने बंद नहीं किया तो पानी, एक बूंद पानी पाकिस्तान को नहीं मिलेगा, ये आप याद रखिए। और बहनों और भाइयों, हमने कहा इसका अध्ययन शुरू करो, और वो 3 नदियों का पानी भी हम लोग पंजाब और हरियाणा तक ले आएंगे, राजस्थान तक ले जाएंगे। आपका सरहित कैनाल, राजस्थान कैनाल फूटा हुआ था, हमने 2200 करोड़ रुपए देकर उसकी रिपेयरिंग शुरू की, तो उसके कारण कम से कम 10 लाख एकड़ किसानों को पानी मिलने वाला है। पानी इस देश की सबसे बड़ी समस्या है, और एक तरफ पानी समुद्र में बह रहा है। मैं आंध्र प्रदेश में एक पोलावरम करके एक बड़ा डैम बना रहा हूं, भारत सरकार की ओर से 60,000 करोड़ का, और 1100 टीएमसी पानी समुद्र में जा रहा है। और बहनों और भाइयों, उसका बैकवाटर जो हमने योजना बनाई कि गोदावरी का पानी कृष्णा में जाएगा, कृष्णा का पेनार में जाएगा, पेनार का कावेरी में जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु का झगड़ा केवल 45 टीएमसी के लिए है, और हम 400 टीएमसी पानी तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक और तमिलनाडु को दे रहे हैं, पानी की समस्या को हम सुलझा देंगे। मैं 10 दिन पहले तमिलनाडु में था, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और मैं दोनों साथ में टूर कर रहे थे दिन भर। उनने मुझे कहा, नितिन जी, मेरे घर पर 2 बड़े बड़े फोटो लगे हुए हैं, एक जयललिता का है और दूसरा फोटो तिरुपति बालाजी का है। बोला अच्छा, बोले तीसरे फोटो की जगह खाली है। बोला ये किस लिए खाली है? बोले जिस दिन गोदावरी का पानी कावेरी को मिल जाएगा, उस दिन तीसरा फोटो आपका मेरे घर पर मुझे लगाना है। तमिलनाडु की जनता आपको दुआ दे। अटल बिहारी वाजपेयी के समय नदी जोड़ प्रकल्प की बात हुई, कुछ नहीं हुआ। हमारी सरकार ने 36 प्रोजेक्ट में से 16 DPR तैयार किए हैं, और ये चुनाव खत्म होने के बाद जब हमारी नई सरकार आएगी तो हम नदी जोड़ प्रकल्प की शुरुआत कर देंगे, रिवर अथॉरिटी बनाएंगे और हिंदुस्तान की सिंचाई को 7% तक पहुंचाएंगे, ताकि वो किसान को आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये वचन मैं आपको देना चाहता हूं। आज किसानों की हालत अच्छी नहीं है, गेहूं चावल सरप्लस है, और भाव तय करना सरकार के हाथ में नहीं है। चीनी का भाव ब्राजील तय करता है, 20 रुपए किलो चीनी का भाव है दुनिया में,
और हम 32 रुपए किलो के भाव से गन्ने का भुगतान कर रहे हैं। मक्के का भाव अमेरिका तय करती है, सोयाबीन का भाव अर्जेंटीना तय करती है, पामोलिन का भाव मलेशिया तय करता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, हमारी सरकार ने पहली बार निर्णय किया कि इस देश का किसान अब पेट्रोल डीजल का पर्याय देगा और प्लास्टिक बनाएगा। हमने इथेनॉल की पॉलिसी लाई, 11,000 करोड़ का आज टर्नओवर है, हम 2,00,000 करोड़ की इकोनॉमी बना रहे। अभी मैं हवाई जहाज से ऊपर से देख रहा था, रतन लाल जी चुनाव खत्म होने के बाद मेरे कॉफिस में आ जाओ, ये जो परली जला रहे हैं ना, ये परली से हमने बायो सीएनजी बनाया और इस पे ट्रैक्टर और ट्रक चल रहे हैं। 2,000 रुपए टन से हम परली खरीदते हैं और सीएनजी बना रहे हैं। आपके ट्रैक्टर में सीएनजी का भाव 55 रुपए पर किलो है, उसकी कैलोरिक वैल्यू ज्यादा है, तो उसका डीजल के बराबरी में 1 लीटर 300 ml डीजल इक्वल टू 1 किलो सीएनजी। सीएनजी है 55 रुपए का, डीजल है 65 रुपए का, और 85 रुपए का डीजल इक्वल टू 55 रुपए का सीएनजी। तो एक किसान ट्रैक्टर वाला 40,000 रुपए साल का बचाएगा। और आप मेरे पास आइए, मैं फुकट में आपको टेक्नोलॉजी दे दूंगा। मैं 3 चीनी मिले चलाता हूं, मैं किसान हूं और परली से सीएनजी तैयार करता हूं। और मैंने अपने शहर को 5 साल पहले टॉयलेट के गंदे पानी को महाराष्ट्र सरकार को बेच दिया। अब हमको 180 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं महानगर पालिका को टॉयलेट का पानी बेचकर। अब टॉयलेट के पानी से हम मीथेन निकाल रहे हैं, मीथेन से CO2 अलग कर रहे हैं और बायो सीएनजी निकाल रहे हैं। और जो स्लज निकलती है सॉलिड वेस्ट शौचालय की, 650 टन हमारे यहां निकालती में डालकर, उससे भी सीएनजी निकाल रहे हैं। और नागपुर शहर की 450 बसेस में से अभी 38 बसेस हमने सीएनजी पर कन्वर्ट कर दी है, और आने वाले जो 450 बसेस है उसी पे कन्वर्ट हो जाएगी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, पोल्यूशन फ्री, कॉस्ट इफेक्टिव, इंडिजिनियस। तो क्या देश आगे नहीं जा सकता? क्या नए रोजगार निर्माण नहीं हो सकता? अभी हम मोलासेस से इथेनॉल बनाते हैं, फिर बी हेवी मोलासेस की पॉलिसी लाई गन्ना मिलों के लिए, फिर शुगर कैन जूस की इथेनॉल आया, फिर राइस कट और मक्के से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी। और बहनों और बायो इथेनॉल से बायो प्लास्टिक बनता है। जिसको आना है वो मेरे पास दिल्ली आ जाए, मैं घर में दिखा दूंगा आपको। और ये बायो प्लास्टिक मिनरल वाटर के लिए, कोक पेप्सी सब के लिए, फ्रूट जूस के लिए अगर प्लास्टिक यूज होगा, वो प्लास्टिक अगर आपने फेंक दिया तो 78 घंटे में उसकी मिट्टी बन जाती है, डिग्रेडेबल हो जाता है। कोई प्लास्टिक पर बंदी लाने की जरूरत नहीं है। ये सब बातें हमारे सरकार ने लाई। रतन जोत, मोह, साल, करण जोत, टोली जो नॉन एडिबल ऑयल सीड है, उससे एविएशन पेट्रोल बनाया, फ्यूल बनाया। और इस साल, इस बार 26 जनवरी को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, हमारे फाइटर जेट, हमारे किसान और आदिवासियों के जंगल में होने वाले जट्रोफा के ऑयल से हमने चलाया। हमने एक हवाई जहाज देहरादून से दिल्ली तक लाया। 30,000 करोड़ का हम एविएशन फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। बम्बार्डी, एयरबस, बोइंग, ATC सब ने अप्रूवल किया है। मैं अब किसानों को कहता हूं, गेहूं चावल मत लगाओ, बायो एविएशन फ्यूल का तेल निकालो, उसके आधार पर आपको पैसे मिलेंगे। 30,000 करोड़ देश के बचेंगे। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, साइंस, रिसर्च, स्किल्ड, इसको हम नॉलेज कहते हैं। और हमारी सरकार ने कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ नीति को अपनाया है। ये देश बदल रहा है। इस देश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाना, इस देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना, गांव के किसानों के बेटों को रोजगार पैदा करना और ऐसी स्थिति पैदा करना कि फिर से एक बार लोग शहर से गांव की तरफ जाएंगे, वो हिंदुस्तान हमको बनाना है। यही हमारा मिशन है और यही हमारा उद्देश्य है। हम तेजी से काम कर रहे हैं। और बहनों और भाइयों, देश की सुरक्षा भी हमारे लिए सर्वोपरि है। अभी अनिल जी बता रहे थे, ये चुनाव में आपको तय करना है कि आतंकवाद और आतंकवादी संगठनों के सामने वोट बैंक के राजनीति के लिए घुटने टेकने वाला मजबूर प्रधानमंत्री चाहिए कि आतंकवाद और आतंकवादियों को उखाड़ कर फेंकने वाला मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए, इसका निर्णय इस चुनाव में आपको करना। और इसीलिए मैं आपको यह आह्वान करने के लिए आया हूं कि जो 50 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में हमने काम किया है।
हमको देश के तस्वीर को बदलना है, हिंदुस्तान को सुपर इकोनॉमिक पावर दुनिया में बनाना है। और ये सब काम जो हुआ है इसका श्रेय मोदी जी को और मुझे नहीं है, इसका सही अर्थ में श्रेय अगर किसी को है तो मेरे सामने बैठे हुए भारत की जनता को है। अगर आप पिछले बार रतन लाल जी को चुनकर नहीं देते तो हमारी मेजोरिटी नहीं आती, मेजोरिटी नहीं आती तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते, और मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो मैं मंत्री नहीं बनता, और अगर मैं मंत्री नहीं बनता तो इतने रस्ते इतने हाईवे कहां से बनते। और इसलिए ये जो कुछ काम हुआ है वो आपके कारण हुआ है। पर बहनों और भाइयों, ये काम इन्हें केवल ट्रेलर है, अभी तो सही फिल्म शुरू होना बाकी है। और इसलिए जो नई फिल्म अभी शुरू होगी वो हिंदुस्तान की तस्वीर को बदल देगी। रतनलाल कटारिया ऐसे सांसद है कि 25 बार वो होंगे, अनिल जी होंगे, मेरे पास कभी नाराज होकर कभी पीछे लगकर, एक एक काम उन्होंने किया है। मैं अब मेरे पास टाइम नहीं है, अंबाला से कैथल तक 916 करोड़ का 50 किलोमीटर चार लेन सड़क का निर्माण कार्य अभी जून 2019 में पूरा हो जाएगा। 3 आरओबी अंबाला और कैथल में मंजूर हो गए, 4 बाईपास अंबाला पवा इस्माइलाबाद और कैथल ये भी मंजूर हुए। हिमाचल से आने वाले वाहनों को शहर के बाहर जाने से रास्ता मिल जाएगा। अंबाला से सहा तक 15 किलोमीटर चार लेन का काम जून से शुरू हो जाएगा। इस मार्ग को बनाने से यमुनानगर जगाधरी जाने वाले वाहनों को जाम से राहत मिलेगी। यमुनानगर से सहा तक 20 किलोमीटर फोर लेन का काम 2018 में हमने पूरा किया है। 38 किलोमीटर का अंबाला रिंग रोड प्रस्तावित है, जिसके लिए विज जी मेरे पास आए थे, उसको हमने मंजूर किया, उसका डीपीआर शुरू हो गया है। पंचकुला से यमुनानगर तक 2000 करोड़ की लागत से 110 किलोमीटर का काम जून 2019 में पूरा हो जाएगा। यमुनानगर से पोंटा साहिब तक 300 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर का डीपीआर बनाया जा रहा है। अंबाला शहर में 60 करोड़ की लागत से 2 आरओबी का निर्माण टेंडर हो गया है। अंबाला नारायणगढ़ कालाम तक 500 करोड़ की लागत से 45 किलोमीटर दो लेन प्रयोगशाला निर्माण का डीपीआर बन गया है। इसमें नारायणगढ़ और कालाम के पास बाईपास बनाया जाएगा। सहा से शाहबाद 300 करोड़ की लागत से 16 किलोमीटर चार लेन का डीपीआर बन गया है। दिसंबर 19 में काम अवार्ड हो जाएगा। इस सारे मार्ग निर्माण से अंबाला का हिमाचल और तथा औद्योगिक क्षेत्र यमुनानगर आना जाना सुगम हो जाएगा। और एक योजना है, कटारिया जी ने मुझे याद कर दिया है कि यमुना के नजदीक से दिल्ली से अपना कहाँ तक यमुनानगर तक एक एक्सप्रेस हाईवे बनाने की बात उन्होंने की है, उसका डीपीआर बनाने के आदेश मैंने दिए हैं और जरूर ये भी बन जाएंगे ताकि आप डायरेक्ट दिल्ली जा सकें। ये सब काम हम करेंगे क्योंकि देश की तस्वीर को हमको बदलना है। 21वीं सदी का इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक पर चलने वाली बसेस, मैं ही ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, इथेनॉल पर चलने वाली बसेस, बाइक, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, ये हमारे डबल डेकर हवा में चलने वाली बसेस, नई नई टेक्नोलॉजी, नए एक्सप्रेस हाईवे, जलमार्ग, हमारे पोर्ट्स, सबका विकास हो रहा है। हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, ये सब काम हमने 5 साल में जो किया, जो 50 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में किया है।